नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं ऑटो की सवारी में निकलता हूँ, और क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने कर्नाटक इलेक्शन का पूरा जो रिजल्ट था मैंने ऑटो में बैठे बैठे बताया। अभी मैं जस्ट जुहू से निकला और मेरे मन में ख्याल आया यहाँ की राजनीति को लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे तो कुछ उछल कूद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिखाई दे सकता है। बालों पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हवा चल रही है, गर्मी काफी है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ऑटो का सफर है इस वक्त में और आप देख सकते हैं रात के लगभग 2 बजे हैं, और यहाँ पे जो कहते हैं मुंबई सोती नहीं है, तो मुंबई वाकई सोती नहीं है। बस ऐसे ही घूमने का मन किया, ऑटो पकड़ा और घूमने निकल गया। लेकिन ऐसे ही मन में ख्याल आया कि यहाँ पर अभी जो राजनीतिक उठापटक चलने वाली है उस पर सोचा मैंने बात की जाए। और बात क्या की जाए, यहाँ पर जो अभी राजनीतिक माहौल गरमा रहा है वो सबसे बड़ी बात है कि जो देवेंद्र फडणवीस है यानी कि उप मुख्यमंत्री, हमारे पुराने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, और जो शिंदे मुख्यमंत्री बने, इन दोनों में जो ट्यूनिंग है वो नहीं बैठ पा रही, और उसका जीता जाता उदाहरण कई बार देखने को मिला है। फडणवीस को लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे को चाहने वाले बहुत कम है। आप जो भी समझिए, चाहे उसे ब्लैकमेलिंग समझिए, जो भी चीज समझिए, एकनाथ शिंदे को जो पद मिला वो गिफ्ट में था, लेकिन ये जो गिफ्ट है जो आने वाले इलेक्शन है ये इसमें नहीं मिलने वाला है। और मैं जो खेल की बात कर रहा हूँ वो खेल बहुत जल्द होने वाला है, और खेल क्या होगा, खेल ये होने वाला है कि भाजपा एकनाथ शिंदे से समर्थन वापस ले सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एकनाथ शिंदे से भाजपा समर्थन वापस ले सकती है, भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, या हो सकता है उद्धव ठाकरे को मनाया जाए या जो भी चीजें की जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ में भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। रीजन ये है, मुख्यमंत्री का जो पद है भाजपा किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहेगी, और एकनाथ शिंदे को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी। यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त चिंतित नजर आ रहे हैं, कभी दिल्ली के चक्कर तो कभी नागपुर के चक्कर, आरएसएस हेडक्वार्टर के चक्कर वो बार बार घूम रहे हैं। घूमने का रीजन भी यही, अब इलेक्शन में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वक्त बचा है, लेकिन अभी समय है, लगभग 1.5 साल का समय अभी इलेक्शन में बचा हुआ है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो खेल है, 1 साल यानी कि 1 साल के भीतर भीतर ये सब खेल होने वाला है, जल्द आपको सामने दिखाई देगा कि वापस से, या हो सकता है कि एकनाथ शिंदे वापस में शिवसेना में चले जाए। अब ये तो उद्धव ठाकरे के ऊपर बात है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे कि वो पहले उनका छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह मानते थे, वो दोबारा से ऐसी मानेंगे। जो भी है, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, आने वाले जो वक्त है इसमें जल्द कुछ ना कुछ बड़ा खेल होने का। खेल क्या होगा वो आप सबके सामने होगा। भाजपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, ये जग जाहिर, जीते ना जीते वो वक्त की बात है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक बहुत बड़े नेता हैं। एकनाथ शिंदे जो नेता हैं उनसे तो काफी हद तक उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखिए उस कद के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में क्या खेल होगा ये आप सबके सामने होगा। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।